हेलो दोस्तों, वही सी पी लाइव में आपका स्वागत है। मैं क्लास 7 यानी आरएस अग्रवाल का मैथ का एक्सरसाइज 2B बता रहा हूँ दोस्तों। इसको हम फर्स्ट सेकंड बता चुके हैं, 3 तक देख लीजिए, यहाँ अभी भी बना हुआ है 2 तक, मतलब यहाँ ख़त्म कर चुका है, 3 से आगे बता रहे हैं। अगर आपको अभी अच्छा लगे तो देख लीजिए, बाकी पीछे वाला भी जाकर प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। चलते हैं, शुरू करते हैं। तो क्या करना है, नंबर 3 का नंबर 1 फाइंड 1/3 ऑफ मतलब होता है मल्टीप्लाई, कितना बोला है 24। दोस्तों ये ऊपर नीचे कटता है तो यहाँ हम लोग कुछ नहीं तो 1 दे सकते हैं, 3 8 जा 24, तो 8 1 जा 8, नीचे में 1 है तो 1 नहीं लिखते हैं, इसका मतलब इसका आंसर आया कितना 8 आया। सेकंड नंबर 2 नंबर बता रहे हैं, 3/4 ऑफ कितना है 32, कुछ नहीं तो बटन में 1 दे देते हैं, 4 8 जा 32, 8 3 जा 24, और नीचे में 1 नहीं लिखते हैं डिनोमिनेटर में। हाँ, न्यूमरेटर में अगर रहेगा 1 तो लिखना पड़ेगा। अभी चलते हैं, उस तरह का भी क्वेश्चन आने वाला है। 5/9 ऑफ मतलब मल्टीप्लाई 45, नीचे में कुछ नहीं तो 1 दे देते हैं, 9 5 जा 45, 5 जा 25, अभी बताए थे डिनोमिनेटर में 1 नहीं लिखे। अगला चलते हैं 4 नंबर में, 7/50×1000, कुछ नहीं है तो नीचे में 1 दे सकते हैं, 50 पहले 0 से 0 कटा देते हैं, ख़त्म। 5/2×10, लेकिन यहाँ 0 और एक था तो 0 लिख दिए, 7/2×14, एक 0 यहाँ था 0 लिख दिए, तो 140 हम लोग का आ गया। नेक्स्ट है 5 नंबर, 3/20×1020 कितना है 1020, एक 0 से एक 0 पहले कटा देते हैं, लास्ट में 2 है कटेगा ही, 2/5×10, 2×1×2, तो हम लोग का 3×1×3, 3×5×15, 135 आया। 6 नंबर चलते हैं, 6 नंबर कहाँ है, यहाँ है 5/11×220, तो 5/11×220, 11/2×22, ये 0 का 0 लिख देते हैं, 0 पहले बैठा लेते हैं, 5/2×10, तो 100 हम लोग का। दोस्तों ये रुपया था, इसमें देखिए रुपया लिखा हुआ है तो हम लोग ऐसा रुपया 100 लिख देते हैं। अब इधर चलते हैं दोस्तों, इसलिए इधर नहीं बना, इधर छट रहा वीडियो, इधर से बनाते हैं ना ठीक लगता, अब इधर से बनाते चलेंगे। 6 तक बना चुके हैं बहुत सारा, लेकिन 7 बनाते हैं, 4/9×54, ये देखिए मीटर है तो यहाँ हम लोग कट जाएगा, 9 6 जा और 6 4 जा 24, मीटर का मीटर लिख देते, इधर बनाते चलते हैं नहीं तो वीडियो इसमें छट जाता है इधर। समझ में आ रहा होगा, बहुत आसान है, सारा एक ही मेथड से लगा रहे हैं अभी तक। 6/7×35, दोस्तों ये लीटर है, एल फोर लीटर लिख देते हैं, 7/5×35, 6/5×30, आप सोचें अभी तो यहाँ डिनोमीटर में 1 नहीं देते, वो दे सकते हैं कोई दिक्कत नहीं, एक ही चीज़ है। उसके बाद 9/1/6 ऑफ 1 आवर बोला है, तो 1 आवर को दोस्तों अगर आवर में रखेंगे तो 1 रहेगा, लेकिन हम लोग जानते हैं 1 आवर बराबर 60 मिनट होता है, इसको मिनट में चेंज कर लेते हैं, तो 6 10 जा 60 10 1 जा 10, ये मिनट हो जाएगा, m फॉर मिनट लिखे हैं, n फॉर मीटर लिखे थे, min लिख देता हूँ इसमें, नहीं तो आप गड़बड़ा जाएंगे। 10 लिखते हैं, इसको ऊपर कर लेता हूँ और थोड़ा सा, तो 10 में है 9/6 ऑफ एन एयर, 1 एयर बोला दोस्तों, 1 लिखेंगे तो कटे ना तो कोई फायदा नहीं है, तो 1 ईयर बराबर 12 मंथ है, MOMTH लिख ही देता हूँ, तो दोस्तों ये तो कटेगा ही नहीं यार, एक मिनट कुछ किसका लिख लिया यार, 5/ पता नहीं किसका लिख लिया, इसका लिख लिया क्या, 5/6 है, रुको, तो 5/6 है,
तो 6 2 12, 5 2 10, 10 मंथ हो जाएगा, है ना। अभी यहाँ लिखे हैं मंथ, समझ में आया दोस्तों। यहाँ देखिए 5/6 था, मैंने मिस्टेक से कुछ और लिख दिए थे। नंबर 11, 7/20, 1 kg है, है ना। kg तो लिखेंगे तो 1 ही रह जाएगा, ग्राम में चेंज करेंगे, हम लोग जानते हैं 1 kg बराबर 1000 ग्राम। 0 से 0 कट गया, 2 से 5 बार में 10, 10 था बढ़ा दिए। 7/5 = 35 और 10 का 0, 1 ग्राम निकल गया, तो 350 ग्राम। 11 के बाद 12, 9/20, मीटर बोला है, मीटर लिखेंगे तो 1 ही रह जाएगा, लेकिन 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। 10 से 0 कटा लेते हैं, 2 से 5 बार में 9/5 = 45, ये सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि हम सेंटीमीटर में चेंज किए हैं। हम लोग 12 बना चुके हैं, इसको मोड़ लेते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा दिक्कत हो रहा है, बहुत सारा दिया है। लेकिन 12 के बाद 13 आ जाते हैं, 7/8, 1 डे हम लोग जानते हैं, 24, 1 डे बराबर कितना होता है 24 घंटा। 7/3 = 21, दोस्तों ये आवर है, H4 आवर लिख देते। 14 नंबर, 3/7 × 1 week, 1 week बराबर 7 डे होता है, हम लोग जानते हैं 7 से 7 कट जाएगा, तो 3 day हो जाएगा। यस, अगला है लास्ट, यानी 15 नंबर 7/50, 1 लीटर बोला, हम लोग जानते हैं 1 liter = 1000 ml होता है। 0 से 0 कटा लेते हैं, 5 2 10, 0 का 0 लिख देते हैं, 7 2 14, और ये 0 था, ये ml हो गया। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है नंबर 4 दोस्तों। अब आ गया लैंग्वेज प्रॉब्लम, तो इसमें से हम लोग को लैंग्वेज लिखना पड़ेगा। एप्पल्स आर सोल्ड एट 18 2/5 रुपी पर केजी, मतलब हर केजी का दाम 18 2/5 है। व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ 3/4 kg एप्पल। ऐसे नॉर्मल पढ़िए, मतलब 1 kg का 18 रुपया अगर दाम है, सो फ्रैक्शन नहीं पढ़ेंगे, तो समझिए बढ़िया से 3 kg का कितना दाम होगा, तब समझ में आएगा। 1 kg का दिया हुआ, 3 kg का निकालना, 1 का दिया हुआ ज़्यादा का निकालना, मल्टीप्लाई होगा। तो हम लोग को लैंग्वेज लिखना है, तो पहला लिखना है कॉस्ट ऑफ 1 kg एप्पल, 1 kg ALE इक्वल टू, यहाँ दिया हुआ कॉस्ट ऑफ 1 kg एप्पल 18 2/5 पर केजी लिखा है, इसलिए ऐसा लिखे, रुपी का साइन लगा देते हैं। तो हम लोग को यहाँ आ जाएगा कॉस्ट ऑफ 1 kg नहीं, कितना चाहिए, 3 पूर्णांक 3/4 kg का चाहिए, तो 3 पूर्णांक 3/4 kg ALES। तो 18 एक केजी का था, हमको चाहिए 3 पूर्णांक 3/4 kg, तो इतना रुपया हो जाएगा। अब इसको सोल्व करना है, चलिए यहाँ कर लेते हैं, पूर्णांक पूर्णांक पहले तो लेते हैं, 18 3 18 54, 55 56, यानी 56/3 × 4 3 12, 13 14 15, 15/4, 3 का बार में चल जाएगा 5 बार में, ये कटेगा 5 1 = 5, हाँ कट जाएगा, 4 1 = 4, यहाँ बचेगा 1, 4 4 = 16 हो गया, 14 5 = 14 5 = 70, 70 रुपया। ये हम लोग का निकल गया कितना, 1 kg का। दोस्तों इसमें मिस लिखे हैं, यहाँ था 18 2/5 था, यहाँ 18 2/3 लिख दिए, रुकिए इसको 5 कर दें पहले, है ना। तो 18 2/5, 18 5 = 90 +2, इसका मतलब यहाँ मिस हुआ है, इसको कट कर लेते हैं, यहाँ मिस्टेक लिखे थे, हाँ 18 5 = 90 +2 बराबर 90, तो 92/5 और इंटू हो जाएगा 4 3 = 12 +3 15/4, 5 से 3 बार में, और ये कटेगा, हाँ कट जाएगा, 4 से 4 बार में 4 2 = 8, यहाँ बचेगा 1, 4 3 = 12, 3 3 = 9, 3 2 = 6,
तो हो जाएगा 69 रुपीज़। यानी देखिएगा दोस्तों, यहाँ मिस हुआ था उतारने में, थोड़ा सा अगर हो जाता कभी कभी तो हम लोग का यहाँ लिख देंगे। अब यहाँ व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ एप्पल, तो इसलिए लिख देंगे 69 रुपी इज द कॉस्ट ऑफ 3 पूर्णांक 3/4 kg, है ना। अगला चलते हैं, नंबर 2 बता रहा हूँ, सॉरी नंबर 5 बता रहा हूँ। यहाँ अ क्लोथ, सॉरी क्लोथ इज बिंग सोल्ड एट 14.5 per meter। यहाँ समझिए, अभी इसको हाफ हटाइए, मतलब एक मीटर का कॉस्ट है 42 रुपी। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 5 पूर्णांक 3/5 meter ऑफ क्लोथ, मतलब एक एक ऐसे समझिए, एक मीटर का 42 है, 5 मीटर का निकालना है, इसका मतलब इसमें भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ हम लोग लिख देंगे कॉस्ट ऑफ मतलब 1 meter क्लोथ, CLOTH, कितना दिया हुआ 42.5 रुपी, रुपी का साइन लगा देंगे आगे। हम लोग को निकालना है कॉस्ट ऑफ मीटर की जगह 5 पूर्णांक 3/5 meter, METER, CLOTH। तो इधर 42.5 और इधर था 5 3/2, ऐसा समझिए, मतलब एक मीटर का 42, तो 5 meter का 5 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, यही किए हैं, कुछ नहीं है ज़्यादा। अब इसका पूर्णांक तोड़ लेते हैं, 42 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 84 + 1 85/2, 5 × 10 + 3 13/2 है। इसमें भी मिस उतारे हैं, पता नहीं क्या आज, यहाँ 5 था, यहाँ देख लीजिए इसमें, अरे हाँ इसमें देख लीजिए 5 है, 5 × 3/5, इसका पूर्णांक तोड़ेंगे, 5 × 5 = 25, 25 × 28 हो जाएगा। यहाँ पता नहीं कभी कभी यहाँ 5 हो जाएगा, 5 से कट जाएगा, 5 × 1 = 5, यहाँ बचेगा कितना 3, 5 × 7 = 1, यहाँ 28 है ना, तो 2 से कट ही जाएगा, 2 × 1 = 2, 2 × 4 = 8। उसके बाद है 17 × 14, 17 × 17 = 68 का 8 हासिल 6, 17 × 17 = 6, 17 × 20 23 ये निकला रुपया, मतलब 238 रुपया। इसलिए लिख देंगे यहाँ THUS, 10 238 है ना। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ कितना है 5 पूर्णांक 3/5 meter, CLOTH हो गया। दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आगे बता रहे हैं। नंबर 6, अ कार कवर अ सर्टेन डिस्टेंस एट अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 66 and 2/3 per hour, मतलब एक घंटे में हम लोग फ्रैक्शन हटाते हैं अभी, 66 किलोमीटर चलता है, किलोमीटर, हाउ मच डिस्टेंस विल कवर इन 9 hour, मतलब 9 घंटा में निकलना, इसका मतलब बहुत आसान है ये। तो हम लोग लिख देते हैं डिस्टेंस कवर, हाउ मच डिस्टेंस, तो डिस्टेंस कवर COVER, कवर्स इन कितना आवर, 1 per hour, मतलब 1 hour, 1 HOUR इक्वल टू है 66 2/3 kilometer। उसी तरह से फिर हो जाएगा डिस्टेंस कवर COVERS, कवर्स इन कितना 9 hour का निकालना, 9 hour, तो हो जाएगा 66 2/3 × 9, बस इसको सोल्व करना, हम लोग इसको मल्टीप्लाई करने हैं, 66 3 × 6 18 पहले इसको करना पड़ेगा, कर लेते हैं 66 × 3 = 6 18 = 8 हम गया 1 6 18 = 19, और फिर इसको 2 जोड़ना भी पड़ेगा, 8 + 2 = 10 9 × 10 = 21 2, मतलब 200/3 × हो जाएगा 9, 3 से एक कट भी जाएगा, 3 × 3 = 6, 600 किलोमीटर, समझ में आया। अब हम लोग को यहाँ बताना है, पहला नंबर है हाउ मच डिस्टेंस कवर विल कवर इन 9 hour, तो इसलिए लिख देंगे यहाँ। अच्छा ये एक्स्ट्रा चीज़ बताएं, आप कर भी सकते हैं, नहीं 10 600 किलोमीटर
इज सी ओ वी ई आर कवर्स इन 9 आवर्स एच ओ यू आर एस। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, कितना है 7 नंबर। उसके बाद आगे लगता है, अब नेक्स्ट बताएंगे आगे 18 से आगे, क्योंकि अभी बहुत 15 तक। 1 टीन होल्ड 12 3x4 लीटर ऑफ ऑयल। यहाँ ऐसे समझिए, एक टीन जो है ना, टीन डब्बा होता है, होल्ड करता है, रिफ्रैक्शन हटाते हैं, 12 लीटर एक टीन रखता है। हाउ मैनी लीटर्स ऑफ ऑयल कैन 36 सच टीन, मतलब 36 टीन में कितना हटेगा, तो इसको में भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम लोग लग देते हैं ऑयल कंटेन इन 110 या ऑयल होल्ड ऑयल एच ओ एल डी एस होल्ड्स इन 1 टीन इक्वल टू कितना हो जाएगा 12 3x4 एल फोर लीटर है, तो हो जाएगा फिर ऑयल होल्ड्स इन कितना 26 टीन है, टीन मतलब डब्बा होता है, 12 3x4 इंटू 26 एल फोर लीटर। इसको अब सोल्व करना है, 12 x 48 49 51 51/4 इंटू 26 बाय कुछ नहीं तो 1 लीटर है दोस्तों, तो कटेगा भी नहीं, ये 2 से लेकिन कट जाएगा, 2 1 जा 2 2 3 जा, तो 13 का 13 का 3 हम गया 1 13 5 65 66 बाय 2 लीटर। इसको हम लोग डिवाइड कर लेते हैं, यहाँ करके दिखाता हूँ, 6 6 3 2 2 3 जा 6 कट गया, फिर 6 उतारे 2 3 जा 6 कट गया, 3 उतारे 2 1 जा 2 यहाँ रिमाइंडर वाच मिलता है। अब यहाँ समझिए, ये जो इसको बोलते हैं डिविडेंड, इसको बोलते हैं डिविजर, इसको बोलते हैं क्विसेंट, ये बोलता है रिमाइंडर। तो क्विसेंट को आगे में लिखते हैं, रिमाइंडर को ऊपर में लिखते हैं, जिसे डिवाइड करते हैं 2 से, उसको लिखते हैं नीचे में लीटर। तो हमारा ये होगा आंसर दोस्तों। अगर मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों शेयर लेकिन जरूर कीजिएगा, प्रश्न कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा। अब इससे आगे अगला वाला इसमें बताएंगे पार्ट में। थैंक यू।